जी अस्सलाम वालेकुम, ये इन्वर्टर है फ्रोनक्स PV2200। तो ये मैंने इंस्टॉल नहीं किया, इसके अंदर जो है ये कुछ कमियां पेशियां थी जो कि हमने निकाली हैं। तो सिंगल सिंगल पता नहीं उस भाई ने क्यों लगाया ये ब्रेकर, एक ब्रेकर यहाँ पे लगा था वो मैं तार के नीचे ले गया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है, ये आउटपुट का ब्रेकर है, ये मैंने ऊपर ही रहने दिया है। और ये है PV2200, इसके साथ हमने लगाए हैं 4 पैनल। ठीक है, उसके साथ इसके ऊपर हमारी एक फ्रिज चल रही है, वॉशिंग मशीन चल रही है, उसके अलावा इस्त्री चल रही है, उसके अलावा तकरीबन 6-7 पंखे चल रहे हैं घर के। और एट ए टाइम में एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन और 3 पंखे, एक LCD TV के साथ। ये मतलब सिंपल छोटे से घर के लिए मतलब अच्छी चीज़ है। इसके साथ ये लगी हुई है ओसाका की बैटरी, 160 की है, 160 एम्पेयर की प्रो सीरियल में बैटरी लगी हुई है। तो इसके साथ अगर बात की जाए इसकी MPPT रेंज में, शायद यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी 4 पैनल इसके साथ एडजस्ट हो सकते हैं, तो हमने इसके साथ 4 ही पैनल लगाए हैं। तो जिस भाई ने हमारे पहले लगाया था ये, उसने इसके साथ 2 पैनल लगा के दोनों पैरलर में कनेक्शन किए थे। ठीक है, उसके मैं अभी आपको दिखाता हूँ सोलर के वोल्टेज। इस टाइम ये देखें 191 सोलर के वोल्टेज आ रहे हैं इस टाइम ऊपर से, जो पहले लगाए थे। ठीक है, तो वो थे इसके साथ 2 पैनल के साथ पैरेलल करके तकरीबन 40 समथिंग वोल्ट आ रहे थे। ये लगे हैं इसके साथ 4 पैनल, 2 585 वाले हैं और 2 570 वाले हैं। ठीक है, इस टाइम बैटरी भी फुल है और बाकी घर का तकरीबन लोड भी सारा इसके ऊपर चल रहा है। ठीक है, अब ये 2 पैनल पहले लगाए हुए थे और ये वाले 2 पैनल हमने आज लगाए हैं। ठीक है, इसके साथ ये देखें, उस भाई ने कनेक्टर नहीं लगाया आगे से MC4 के, उसने पीछे से जोड़ लगा दिया। वो लास्ट में देखें, शायद आपको वहाँ से भी नज़र आ रहा हो। ठीक है, वो भी ऐसे ही किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी उसने ऐसे ही तारें काट के दोनों पैरलर में लगा के तो ज्वाइन किए थे, सीरियस में कनेक्शन नहीं थे किए। तो इसके अब हमने इस प्लेट को खोल के इसके हमें डायरेक्शन भी चेंज करनी पड़ी है। ठीक है, ताकि हमारे सारे ज्वाइंट ऑटोमेटिकली लग सकें। 4 पैनल के साथ इसके साथ PV2200 एक नॉर्मल घर के लिए बहुत बेहतर है। इनका अभी AC नहीं लगा हुआ। ठीक है, फ्यूचर में प्लान है AC का, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब हम इन्वर्टर चेंज कर लेंगे। जिस भाई ने मशवरा दिया बड़े घर के लिए, छोटा इन्वर्टर लगाया गलत किया है। अब ये जो इन्वर्टर है, इसके साथ 4 पैनल हम ऊपर नहीं लेके जा सकते इसको। 4 पैनल के साथ ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी MPPT डैमेज हो जाएगी, MPPT में मसला आ जाएगा, ये ब्लास्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके साथ नीचे चलते हैं, नीचे फ्लोर पे, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारी मेन वापडा ब्रेकर है, इसके साथ ये आ रहा है, इसके साथ प्रोटेक्शन डिवाइस जो कि हमने ऊपर से उतार के पूरे घर के लोड के साथ लगा दिया, पूरा घर भी इसके ऊपर चलेगा। ये चेंज ओवर लगा हुआ शनैडर का, ऊपर सोलर है, नीचे वापडा है। और ये ब्रेकर है उसका, इन्वर्टर को अगर हम देना चाहें, हम यहाँ से इसको ऑन करते हैं, जैसे ही हम ऑन करते हैं ऊपर वोल्टेज आ जाते हैं और वो ऊपर बीप भी दे देता है। ठीक है, और तकरीबन कुछ सेकंड बाद ये देखें, इसके ऊपर भी लोड पड़ना शुरू हो गया क्योंकि उसने वापडा पे चेंज कर दिया उसको, इन्वर्टर को। ये हम बंद करते हैं, ये ब्रेकर बंद हो गया है ब्रेकर, और ऊपर से भी बीप आ गया, वोल्ट मीटर भी बंद हो गया, यहाँ से लोड भी इसका ख़त्म हो गया। तो ये सेटिंग थी थोड़ी सी, ये भी हमने साथ ही कर दिया इनको नीचे, ताकि बार बार ऊपर ना जाना पड़े।